सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए, आज क्वेश्चन क्या है पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर कोस टू टी, टी स्क्वायर इंटू कोस टू टी का आप क्या कीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालें। ऑलराइट, तो ये देखा जाए तो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का ये है। ओके, क्योंकि ये क्या है, पहला टर्म आपका टी है और इसमें स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, स्क्वायर आपका दिया हुआ है और एक फंक्शन भी दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जब जो इसके साथ जो फंक्शन दिया है उसका हम क्या करेंगे, पहले हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आपको बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे भाई, बी नो डेट, बी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म कोस टू टी का जो होता है वो होता है, वो होता है क्या होता है भाई, एस अपॉन, तो एस अपॉन एस स्क्वायर, तो ये मैं यहाँ पे दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या है टू है, तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे लिखते हैं चूंकि ब्रैकेट में करके, चूंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कोस ए टी बराबर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, आप इतना लिख दें तो बेहतर रहेगा। ऑलराइट, ये आपको लिख देना है। ओके, इसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है क्या भाई, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो अब हम आइए यहाँ पे देखा जाए, अगर मेरे पास सिर्फ टी रहता तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट होता, लेकिन यहाँ पे टू टी है इसके मतलब ये दो बार डिफ्रेंशिएट होगा। ओके, डबल डेरिवेटिव होगा। ऑलराइट, अगर यहाँ पे टी टू रहता, टी थ्री रहता, टी पर पावर थ्री रहता, तो यहाँ ट्रिपल डेरिवेटिव हम लोग करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे दो है तो मैं क्या करूंगा, दो डेरिवेटिव करूंगा। इससे पहले क्या था, एक था, तो मैं सिर्फ एक बार डेरिवेटिव मैं करता था एफ ऑफ एस का, ये जो मेरा एफ ऑफ एस आया है इसके मैं क्या करता था, एक ही बार डेरिवेटिव मैं करता था यू इंटू फॉर्म, यू इंटू वी के फॉर्म में। ऑलराइट, यू बाय वी के फॉर्म का जो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर इंटू कोस टू टी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, जैसा कि आप डबल डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा। ओके, तो वैसे ही आपको करना है। और मेरा एफ ऑफ एस कितना आया भाई, ये आया एफ ऑफ एस एस अपॉन एस स्क्वायर अपॉन प्लस फोर। ओके, तो एस स्क्वायर प्लस फोर। ओके, ये यू इंटू वी के फॉर्म में है, पहले मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा फिर उसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो ये दो बार डिफ्रेंशिएट होगा। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं डिफ्रेंशिएट यू इंटू वी, यू सॉरी यू बाय वी का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो होता है यू को कॉन्स्टेंट रखिए, वी का इंटीग्रेशन कीजिए, सॉरी वी का डिफ्रेंशिएट कीजिए, यू को क्या कीजिए भाई, कॉन्स्टेंट रखिए अभी, ठीक है, और फिर वी का आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर माइनस वी को कॉन्स्टेंट रखिए यानी नीचे वाले को फिर कॉन्स्टेंट रखिए, फिर ऊपर वाले को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। ओके, अपॉन बटा वी का स्क्वायर, जो नीचे वाला क्या है उसका स्क्वायर कीजिए, यही होता है इसका रूल। ओके, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहला डिफ्रेंशिएट जो करेंगे वो करेंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, तो बराबर माइनस, मैं ये माइनस जो है इसे मैं बाहर ले लिया। ओके, ये ब्रैकेट मैंने ले लिया बड़ी ब्रैकेट, डी अपॉन डी एस, क्योंकि डी अपॉन डी एस तो अभी खत्म हुआ नहीं। ओके, पहले मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई एस, ओके, यू को कॉन्स्टेंट वी का इंटीग्रेशन, तो टू एस एस इंटू टू एस। ऑलराइट, माइनस फिर आप क्या कीजिए, एस स्क्वायर प्लस फोर को कॉन्स्टेंट रखिए और एस का आप क्या कीजिए इंटीग्रेशन, सॉरी एस का क्या कीजिए डिफ्रेंशिएशन, तो एस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन, तो इंटू वन। ऑलराइट, अपॉन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, ये हो गया, ये इतना हो गया। ओके, अब फिर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा एक बार और, क्योंकि डबल डेरिवेटिव था। ओके, तो ये रहा माइनस ब्रैकेट। ऑलराइट, पहले मैं क्या करूंगा, इसे मैं एक छोटा कर दूंगा। ओके, मैं इसे और तोड़ देता हूँ,
तो ये क्या हो जाएगा, टू एस स्क्वायर, टू एस स्क्वायर ऑल राइट, माइनस एस स्क्वायर ओके, प्लस फोर ऑल राइट, और फिर ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर ओके, ये मैंने तोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर फिर मैं इसे डेरिवेटिव करूँगा ओके, तो आइए मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। अच्छा ये देखा जाए तो टू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो इसको मैं एक बार और मुझे तोड़ना होगा, तो डी अपॉन ये था यहाँ पे माइनस, तो ये मैंने माइनस यहाँ पे ले लिया, डी अपॉन डी एस, तो ये क्या हो जाएगा भाई, टू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, यही होगा ऑल राइट। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा डबल डेरिवेटिव ओके, तो आइए मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस में बाहर में ही रखना है ऑल राइट, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट को क्या रखना है, आपको क्या करना है, यू को कांस्टेंट रखना है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सॉरी सेकंड का क्या, नीचे वाले को क्या करना है आपका, आपका नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। सो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यू को कांस्टेंट रखूँगा ऑल राइट, और वी का इंटीग्रेशन करूँगा ओके, तो हो जाएगा ये क्या भाई, टू एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, फिर टू इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर ऑल राइट, फिर माइनस एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू एस ओके, इतना हो गया, अपॉन भी का स्क्वायर, तो क्या है एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर का स्क्वायर ओके, फिर इनका स्क्वायर ऑल राइट। मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट ले लेता हूँ, ये रहा बड़ी ब्रैकेट ओके ऑल राइट, इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे मैं बराबर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे नीचे की ओर माइनस, अब इनको क्या करूँगा, गुना कर दूंगा ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर एस इंटू एस पर पावर, इस पर पावर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एस पर पावर फोर हो जाएगा प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस, फिर फोर एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ओ राइट, तो माइनस टू एस क्यू प्लस एट एस, एट एस ओके, इतना आएगा ऑल राइट, अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का ये क्या हो जाएगा, दो दो नहीं चार, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, कंप्लीटली बन चुका है और ये मेरा फाइनल आंसर है ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।